Hello everyone, welcome to our channel P Talks. And finally GATE exam is over. जिसके लिए हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे फाइनली वो हो गया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या था, और अगर हम कंपेयर करें GATE 2021 से, तो आई विल से कि आज वाले एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट था. बिकॉज अगर आपने लास्ट वाला एग्जाम अटेम्प्ट दिया होगा ना, तो आपको भी पता होगा कि काफी एग्जाम इजी था. इवन बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने भी काफी अच्छा स्कोर किया था. बट आज वाले एग्जाम में ऐसा नहीं था कि जस्ट फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया. तो क्वेश्चंस वर कंसेप्चुअल, और इसी चक्कर में आई थिंक कि काफी मार्क्स नेगेटिव में कटने वाले हैं. और जिसने भी बहुत ही सोच समझ के, यानी बहुत श्योरिटी वाले क्वेश्चन किए होंगे ना, उसका स्कोर अच्छा होगा. एंड अगर बात करें हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में अलग अलग लेवल की, तो मुझे ऐसा लगा कि तीनों का ही मॉडरेट लेवल था. ऐसा नहीं था कि इनऑर्गेनिक में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे थे, इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था. तीनों का ही लेवल, मतलब तीनों में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए थे, डायरेक्ट नहीं थे. एंड क्वांटम में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर आपने समझ के पढ़ी होगी ना क्वांटम, तो आपने इजीली क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं थे, बहुत ही कंसेप्चुअल थे. आपने अप्रोच कर ली होगी अगर आपने समझ के पढ़ी होगी क्वांटम तो. एंड एमएसक्यू में मुझे ऐसा लगा कि मोस्टली क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे. एक ना एक ऑप्शन तो ऐसा था ही जिसके बारे में हमें नहीं पता था, है ना, और उसी की वजह से आई थिंक कि मार्क्स और स्कोर थोड़ा कम होने वाला है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर भी कम होने वाला है. एंड सो आई विल से ओवरऑल कि थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा सा अबव लेवल था आज वाले एग्जाम का. बट यस, उन स्टूडेंट्स के लिए फेयर था जिन्होंने दिन रात करके मेहनत की थी. बिकॉज लास्ट वाले एग्जाम में क्या हुआ था 2021 में कि काफी ईजी पेपर आया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 15-20 डेज भी पढ़ा था ना, उनका भी अच्छा स्कोर हुआ, और जिन्होंने 8-9 महीने अच्छे से प्रिपेयर किया था उनका भी वही स्कोर था. तो वो स्टूडेंट्स आज ऑब्वियसली खुश होंगे जिन्होंने अच्छे से 8-9 महीने या दिन रात करके मेहनत की थी. तो आई एम हैप्पी फॉर देम. एंड ऑब्वियसली पेपर हो चुका है तो उसी चीज की खुशी मनाते हैं. जिनका अच्छा हुआ है ऑब्वियसली वो साथ में आसमान पे होंगे, बट जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं. ऑब्वियसली अब पेपर तो वापस नहीं आ सकता, बट आज हम दुख मनाते हैं, कल से फिर से पढ़ाई शुरू कर देना, बिकॉज नेक का एग्जाम भी आने वाला है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. और एक जस्ट एक पेपर आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करता, तो जस्ट इस चीज को भूल जाना अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो, बिकॉज आज के 5:30 बज चुके हैं, वो वापस से नहीं आने वाले. बट यस, आज का पेपर एक चीज हमें जरूर सिखाता है कि आपके सब्जेक्ट में आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रटने से काम नहीं चलने वाला, रटने से आप कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं कर सकते. ओके, तो बस आगे की प्रिपरेशन में यही चीज ध्यान रखना कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए चलना है, ना कि जस्ट फॉर्मूला रटने हैं. ओके, सो या टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.